दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और धोनी को अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बारिश के कारण नहीं हो पाया आईपीएल 2023 का फाइनल मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता घोषित किए जाने पर हार्दिक पांड्या का फूटा गुस्सा। बीच मैदान पर कह गए कुछ ऐसा कि सुनकर पूरा भारत रह गया हैरान। तो साफ तौर पर हुई बेईमानी पर हार्दिक का बयान तो जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि धोनी और हार्दिक में से इस साल आईपीएल का विजेता बनने के कौन लायक था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप सभी को तो पता ही है कि आईपीएल के 16वें सीजन का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार 28 मई को बारिश के कारण नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों यहां पर बीसीसीआई के एक ऐलान के बाद पूरी टीमों को झटका लग गया। दरअसल दोस्तों यहां पर बीसीसीआई ने ऐलान करते हुए बताया कि आज का मुकाबला न करवाने का फैसला अंत में जाकर 11 बजे के लगभग एम्पायरों ने किया, क्योंकि आउटफील्ड काफी ज्यादा गीली होने की वजह से अब ग्राउंड्समैन पर इतना ज्यादा समय नहीं बचा था कि वो मैदान को सुखा सके। हालांकि दोस्तों आपको हम बता दें कि आईपीएल के लिए एक रिजर्व डे के तौर पर भी एक दिन का प्रावधान रखा जाता है। लेकिन दोस्तों अब हमेशा से देखा जाता आया है कि आईपीएल के फाइनल तय समय अनुसार ही करवाने का फैसला बीसीसीआई करती है, क्योंकि बीसीसीआई जानती है कि इस मुकाबले को देखने के लिए देश विदेश से और काफी दूर से लोग आते हैं, और जब चेन्नई सुपर किंग्स फाइनल में पहुंच जाए तो भीड़ का लगना तो लाजमी है ही। और दोस्तों आज रविवार के दिन भी यही दिखाई दिया। हालांकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि इस मुकाबले का इंतजार गुजरात के फैंस को भी बेसब्री से था, क्योंकि दूसरी बार लगातार खिताब जीतने की प्रबल दावेदार गुजरात की टीम भी लग रही थी, और वैसे भी उनके होम ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाने वाला था। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी बारिश हो गई और मुकाबला हो नहीं सका। और दोस्तों आखिरकार कौन सी टीम विजेता बनेगी, अब इसका इंतजार हम सभी को और करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गुजरात टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गुस्से में कहा कि बीसीसीआई को अपनी व्यवस्थाओं को सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर फाइनल जैसे मुकाबले अगर बारिश के चलते निलंबित होते हैं तो यह बीसीसीआई की गलती है। उनको पहले से ही वेदर फोरकास्ट देख लेना चाहिए 10-15 दिन पहले कि आखिरकार उस जगह पर बारिश होगी या फिर नहीं। छोटे मोटे मैचों में तो यह सब चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा फाइनल मुकाबला हो तो यहाँ पर बारिश आपके माइंडसेट के साथ साथ आपकी टीम को भी तहस नहस कर देती है, और ये आईपीएल के इतिहास में पहली बार ही हुआ है। मुझे लगता है कि अब जब रिजर्व डे वाले दिन हमारा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तो पिच एक अलग तरह से बिहेव करेगी, जो कि हमारी टीम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि मैच धोनी की टीम के खिलाफ जीते। लेकिन धोनी की टीम भी अगर विजेता बन जाएगी तो गुजरात की टीम इसका बुरा नहीं मानेगी। तो वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या ने यह तक कहा कि बस ये फैसला नहीं जाना चाहिए कि बिना मैच खेले ही चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि अगर मैच पूरा नहीं हो सका तो आप ऐसे तय नहीं कर सकते कि चेन्नई की टीम विजेता घोषित की जाएगी। मैं इस मैच को खेलने के लिए उत्साहित हूँ और कोशिश करूंगा कि मुकाबला हम ही जीते। बाकी दोस्तों आप सभी क्या मानते हैं कि हार्दिक पांड्या ने जो कहा वो बिल्कुल सही है फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।